एक महिला लड़ती रही लड़ती रही लड़ती रही अभी भी लड़ रही हैं क्या अब नया कश्मीर आपके हिसाब से दिख रहा है या नहीं महबूबा जी पहले कुछ देर संबोधित करना चाहती हैं उसके बाद सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा थैंक यू सो मच सबको मेरी तरफ से आदाब नया कश्मीर क्या बताऊँ मैं आपको आ, मेरे फादर मुफ्ती साहब कहते थे कि मुझे बहुत अफसोस है हम जम्मू कश्मीर के लोग हमारे पास एक मिनिस्क्यूल कश्मीरी पंडितों की माइनॉरिटी थी महबूबा हम उसको संभाल नहीं सके उनको ये दिल में ये बात हमेशा खटकती थी और जब वो पहली बार चीफ मिनिस्टर बने जो पहला काम उन्होंने किया वो कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर के अंदर ट्रांज़िट एकोमोडेशन बनाना उनके जॉब्स की बात करना उनके लिए जम्मू में जो टेंट्स में रहते थे उसके बाद वहाँ एक बनाना यानी ही इट लेवल बेस्ट पर कहीं दिल में उनको ये चुबन थी कि हम मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट कश्मीर जम्मू कश्मीर कश्मीरी पंडित को नहीं बचा सकें और आज मुझे आप लोगों से गिला है शिकवा है एक मिनस्क्यूल मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट आपके मुल्क के साथ आप उसको नहीं संभाल सके ये वही जम्मू कश्मीर है जिसने जिसको गांधी जी कहते थे कि मुझे वहाँ पर एक रोशनी की किरण नज़र आई जब पूरा जो हमारा कॉन्टिनेंट है सब कॉन्टिनेंट जल रहा था हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मार रहे थे एक दूसरे की बहन बेटियों के साथ जातियाँ कर रहे थे 1947 में तो तब कश्मीर एक ऐसी जगह थी बहुत कम जगहों में जहाँ कोई राइट्स नहीं हुए जहां कोई कम्युनल टेंशन नहीं हुआ और तभी गांधी जी ने कहा कि मुझे कश्मीर से एक रोशनी की किरण नजर आई और ये वही जम्मू कश्मीर है जब पाकिस्तान की फौजें आईं तो कश्मीर के लोग खुद जाके लड़े उनके साथ और बोला हम, हम, हमलावर खबरदार हम कश्मीरी हैं तैयार और उसके बाद क्या हुआ क्या मांगा था जम्मू कश्मीर के लोगों ने जम्मू कश्मीर में एक एक अलग सी रियासत है वहाँ में हिंदू मुसलमान सिख कश्मीरी गुजर बकरवाल शिया, सुनी बुद्धिस्ट रहते हैं एक कंपोजिट कल्चर है एक छोटा सा हिंदुस्तान है हिंदुस्तान के अंदर हमने तो सैंतालीस में कुछ नहीं मांगा आपसे एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद हमने ये कहा कि हमें कुछ सुरक्षाएं चाहिए हमें कुछ सेफ़ चाहिए ताकि जो हमारी आइडेंटिटी है उसको हम संभाल सके और मुझे खुशी है चाहे जवाहरलाल नेहरू हो चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने वो गारंटीज़ हमको दी कि जिससे हमारी आइडेंटिटी सलामत रहे तीन सौ सत्तर कही है पैंतीस ए कही है मगर उसके बाद क्या हुआ कश्मीरी जो पाकिस्तान को छोड़ के हिंदुस्तान के साथ मिला फिर क्या हुआ कभी आपने सोचा कभी पूछा किसी से क्या हुआ मैं बताती हूँ क्या हुआ जब सैंतालीस में हमने इस मुल्क एक सेकुलर डेमोक्रेटिक गांधी जी के जवाहरलाल नेहरू के बाबा बा, साहब अंबेडकर के सर सैद अहमद खान के सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुल्क के साथ हाथ मिलाया तो इस मुल्क के अंदर कुछ कम्युनल पार्टीज़ ने अपना फन उठाया जैसे सांप अपना फन उठाता है वैसे अपना फन उठाया और एक नारा दिया एक संविधान एक विधान एक प्रधान वही वजह है कि कश्मीरी का माथा ठनका उसको लगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ अभी तो मेरे एक्सेशन की स्याही सूखी भी नहीं है और यहाँ एक विधान एक प्रधान जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था मैं जम्मू कश्मीर को इतना संभाल के रखूँगा कि इट विल बी ए शो विंडो कि दुनिया देखती रहेगी इतनी खूबसूरत ये खिड़की दुकान में जो बनाते हैं कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी और कश्मीर के लोगों को लगा कि ये जो एक विधान एक प्रधान एक संविधान ये लोग हमसे हमारी ज़मीन छीनेंगे हमारा अस्तित्व छीनेंगे हमारी आइडेंटिटी छीनेंगे और उस लिए वहाँ पर लोग जो पाकिस्तान से लड़के इस मुल्क में आए थे कहीं ना कहीं उनका रुझान कुछ लोगों का पाकिस्तान की तरफ जाने लगा उनको लगा नहीं हमारे साथ धोखा हो रहा है ओवर द ईयर्स ओवर द ईयर्स जवाहरलाल नेहरू मैं तो ये भी कहती हूँ कि अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते अगर गांधी जी नहीं होते अगर भीम साहब बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो शायद अगर आज की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है अगर वो होती तो आज जम्मू कश्मीर यहाँ नहीं होता अगर उनको मज़हब के नाम पे किसी मुल्क के साथ रहना होता तो पाकिस्तान के साथ रह गए चले गए होते मगर उन्होंने मज़हब को रिजेक्ट किया उन्होंने पार्टीशन को रिजेक्ट किया और इस मुल्क के साथ हाथ मिलाया मगर यहाँ क्या हुआ यहाँ क्या हुआ हालात कश्मीर के दिन ब दिन बिगड़ते गए तीस साल हालात ख़राब रहे और फिर एक स्टेट्स मैन आ गया बीजेपी से वाजपेई जी जिन्होंने पहली बार जम्मू कश्मीर को दिल की नज़र से देखा इंसानियत की नज़र से देखा और उन्होंने इतनी एक जो स्टेट्स मैन होता है वैसे ही जम्मू कश्मीर को संभाला पाकिस्तान गए करगिल हुआ मुशरफ को बुलाया पार्लियामेंट हुआ फिर मुशरफ से बात की हरियत से बात की रास्ते खोलने की शुरुआत की पाकिस्तान के साथ और कश्मीर के लोगों को पहली बार लगा कि नहीं कोई इस मुल्क में ऐसा लीडर है जो कश्मीरियों के दर्द को समझता है